बाबा रामकरण दास ग्रामीण विकास समिति के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश युवा नीति 2016 के क्रियान्वयन को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में किया गया, जिसमें समिति के अध्यक्ष अवधेश कुमार, भाजपा नेता संतोष जायसवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में युवाओं के पूर्ण विकास और अधिकारों की सुरक्षा तथा समाज की जिम्मेदारी और हिस्सेदारी पर चर्चा की गई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा नेता संतोष जायसवाल और अवधेश कुमार ने बताया, युवा ही परिवर्तन है और युवा ही सोच है। सभी युवा साथियों से यही मेरा आग्रह है कि आप परिवर्तन के राह पे चलें, एक नई सोच लाएं, एक नई उम्मीद लाएं, ताकि ये परिवर्तन की दिशा दिखे। आप जो माननीय प्रधानमंत्री जी को आप देख रहे हैं, युवा ही सोच उनकी रही है कि आज उन्होंने कहा है कि मुझे 20 से लेकर 40 साल के युवाओं ने ही मुझे आज प्रधानमंत्री बनाया। तो एक युवा ही अपनी सोच को लेके आगे जाएगा तो निश्चित तौर पे एक जागरूक नागरिक की भूमिका के तौर पे हम लोग का एक अग्रिम स्थान होगा और एक नई दिशा मिलेगी। बस आप लोगों से, युवाओं से ही आग्रह निवेदन है कि आप अपनी सोच बदलिए, निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा। मैं अवधेश कुमार, आज हम लोग उत्तर प्रदेश में युवा नीति को लागू करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस गोरखपुर में आयोजन कर रहे हैं। हम लोग आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के 25 जिले में युवाओं के परिवर्तन के लिए जो पॉलिसी बनी है और आज राज्यपाल महोदय के टेबल से वो गुजर चुका है, तो वो क्रियान्वित नहीं हो रहा है, जिसके अंदर ये बात लिखी गई है कि स्वच्छ संपूर्ण विकास के लिए युवाओं के लिए जो योजनाएं चल रही हैं वो क्रियान्वित नहीं हो रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो नेहरू युवा केंद्र और युवा कल्याण विभाग को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो भी कार्यक्रम युवाओं के लिए बनी है उसको क्रियान्वित करें, लेकिन आज भी जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में युवा नीति परोपकारी अभियान चलाया था वो संपूर्ण युवा नीति सरकार उसको लागू नहीं कर पा रही है। तो हम लोग ये बात कहने के लिए इस मंच के माध्यम से ये बात कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में युवा नीति सरकार लाए ताकि संपूर्ण विकास का कल्पना कंप्लीट हो पाए।